Today was the celebration of the asteroid day in ISR headquarters, where we invited school students from many schools here to tell us about the importance of asteroid day and tell them about the way in which young people can contribute in this domain, build awareness among all of them, and also tell that they themselves can observe asteroids and identify them if they are interested. Amateur astronomers should come out of it. And also wanted to tell them about the structure of the universe, also the dangers posed by asteroids as well in our for our survival. So this is the purpose of this today's program. Sir, Chandrayaan 3 ke baad puri duniya bhi isro ki taraf Gaganyaan mission ki taraf dekh rahi hai, uske bare mein kya kehna hai? Chandrayaan 3 achi tarah kaam kiya, land kiya, aur uske baad hamara jo scientific data aaya sab bahut acha tha. Aur Gaganyaan ab preparation ho rahi hai, hamara पहला मिशन है LVM3 G1 का, अनमैन मिशन का. ये साल दिसंबर में लॉन्च करना है. इसके के लिए कई जगह प्रिपरेशन हो रही है. सुनीता विलियमसन स्पेस में फंस गए, उसके बारे में? नहीं, वो फंस गए नहीं है, वहाँ है, सेफ है, सिक्योर है, वहाँ से वापस आएंगे एक दिन. मेरा बोइंग स्टारलाइन में ही आएगा, यही मेरा विचार है. आने वाले दिनों में इसरो का क्या क्या नया प्लान है, क्या प्रोग्रेस, क्या क्या मिशन? मिशन के बारे में कई बार मैंने बोला, मेरा यही सोच है कि हमारा जो थ्रस्ट है तो स्पेस सेक्टर का एक्सपेंशन करना है कि हमारे जो प्रोडक्शन एप्लीकेशन एरिया को एक्सपेंड करना है. बिजनेस कई तरह का स्पेस बेस्ड बिजनेस को और कई ट्रस्ट देना है. न्यू इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप्स को और सपोर्ट करना है, और इस सेक्टर में न्यू एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक मिशन की तैयारी होनी चाहिए. सर, पीएम ने कहा था कि स्पेस में अपना ही एक स्पेस सेंटर बनाएंगे, उसके बारे में मुझे मैं ही नहीं आया कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया था. आई डोंट नो. आदित्य एलवन के बारे में क्या? आदित्य एलवन अभी एक रोटेशन पूरा किया और दूसरा ऑर्बिट में गया.